एक साहब ऐसी हैदराबाद में साइकिल में हवा भरा रहे थे, वो साइकिल वाला बाजू वाला था, हवा भरने वाला बाजू वाला था, तो अपने भी सुन्नी भाई वो सुधरी, बोले हवा उतार के हवा भराएंगे, बोले आज हवा भराए भराए बदू नली निकालने झुका, झुकते कि पीछे से बोला शेर, नली निकाल रहा हूं मैं, और ले तू नली निकाल रहा, मैं दरगाह में जाके खदमा चूम रहा हूं बराबर, जब ये शिर्क नहीं तो वो भी। कितनी मेंटली रिटायर्ड कौम है देखो, पागल कौम, जो कौम रोजाना दिन में 5 मरतबा खुदा का ने नहीं झुकी, कोई एक बार झुक रहा, कोई 2 बार, कोई 4 बार, कोई 3 बार, डेली 5 बार करने वाले इमाम साहब कैसे, बहुत कम लोग आए दुनिया में, जो कौम दिन में 5 मरतबा खुदा के सामने नहीं झुक रही, उन्हें जाके बंदा नवाज का नहीं झुकती। कभी तो भी गए तो क्या करते, वो सजदा नहीं करते बंदा नवाज को, बंदा नवाज के कदमों को चूमते। किसको चूमते बोलो मेरे प्यारे भाइयों, वली के मुकाम को समझो, औलिया अल्लाह की शान समझो। ये सब बेकार बातें हैं, ये सिर्फ तुमको दीन से दूर करना, रसूल अल्लाह से तुमको बाकी बनाना, अहले सुन्नत से तुमको दूर करना, औलिया अल्लाह से तुमको बगावत करना। एकदम इंग्लिश में आ गई तकरीर, क्या बेहतरीन, क्या फ्लुएंस है, क्या वोकैबुलरी है, क्या एक्सेस है, वाह सुभान अल्लाह, वाह क्या इंग्लिश है सुभान अल्लाह। अच्छा वहां इंग्लिश वैसा बोलता, इन्हें अरबी का अल्लाह अल्लाह फरमाता है, अल्लाह चलो ये सुनते कि हमारा भोला मुसलमान, क्या इंग्लिश है भाई, क्या इंग्लिश, क्या इंग्लिश है, क्या अंदाज है, बोले इतना मीठा समझाते, नक्शबंदी साहब चीखा मारते, बोलो क्या अच्छा बोलता भाई, क्या मीठा, अरे हौले कैसा बोलता वो कमाल नहीं है, क्या बोलता वो कमाल है। बात समझ में आई, क्या बोल रहा वो देखना है, मीठा बोल के भी। एक साहब मीठे मीठे अंदाज में, अल्लाह तुमको जल्द से जल्द अपने पास बुला ले। अब क्या मीठा बोले, बल्कि आमीन बोलता नहीं, मुंह पे खींच के देता। मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते समझो, हर मीठी बोली अच्छी नहीं होती, बाज मीठे बोलियां भी बहुत कड़वे होते हैं। मीठा मीठा बोल के कोई तुम्हारे नबी की गुस्ताखी करे, औलिया अल्लाह की गुस्ताखी करे, मीठी बोलियों में, फ्लुएंस में, वोकैबुलरी में, उनके एक्सेस में फंस के अपनी आखिरत को बर्बाद मत कर लो। ये तुम्हें फेसबुकों पे, व्हाट्सएपों पे तकरीर भेजने वाले तुम्हारी खबर में नहीं आते, जानते कहा मुसलमान ले लो, क्या नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम बनो, गुलाम बनो सरकार के, गुलाम बनो, हाय हाय हाय, क्या बनो, जरा जोर से बोलो, गुस्ताख मत बनो, गुस्ताख। एक अच्छी बात गुस्ताख के हवाले से कहते हुए आगे बढ़ता हूं, सुने, यजीद, कौन, जोर से बोले और जरा जोर से, यजीद सहाबी का बेटा था, कौन था, जोर से बोलो, और एक सहाबी का पोतरा था यजीद, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा का भतीजा था यजीद, मामूली बात नहीं है, रसूल अल्लाह का रिश्तेदार था यजीद। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी खुदा की कसम जहन्नमी है यजीद। यजीद क्या है, जरा जोर से बोलो, जहन्नमी है, यह पूरी दुनिया का मुत्तफिका फैसला है, मगर बाज उलमा ने उसे काफिर कहा, बाज फुखा ने उसे गुमराह कहा, बास फुकहा ने उसे जालिम कहा, बास फुकहा ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, बाज ने उसके खिलाफ तलवार उठाई, बाज ने उसको नारे जहन्नम रसीद कर दिया, राइट। सहाबी का बेटा होकर जन्नती नहीं हो सका, पॉइंट टू बी नोटेड, सहाबा वाला काम, सहाबा वाला काम, सहाबा वाला काम, सहाबा वाला काम, सहाबी का बेटा रे जन्नत में नहीं गया,
पॉइंट टू बी नोटेड, सहाबी का बेटा जन्नती नहीं हो सका, सहाबी का पोतरा होके यजीद जन्नती, उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हा का भतीजा होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुराली रिश्तेदार होकर यजीद जन्नती नहीं हो सका। क्यों? खुदा की कसम कान खोल के सुन लो मुसलमानों, यजीद को जहन्नमी शराब पीने ने नहीं बनाया, यजीद को जहन्नमी जिना करने ने नहीं बनाया। ऐसा अगर बोलेंगे तो पूरी दुनिया के शराबियों जानियों को दोजख में डालना पड़ता। तौबा का दरवाजा खुला है, कौन कब तौबा करे, कौन अल्लाह किसको माफ कर दिया, अल्लाह बेहतर जानता है। कोई किसी के बारे में जहन्नमी नहीं कह सकता, मगर यजीद के बारे में मुत्तफिका फैसला है 1400 साल से। उलमा अइमा फुकहा मुफसरीन मुहद्दिसीन औलिया सूफिया शोरफा मुफ्तिया सारे दारुल इफ्ता का फतवा है यजीद जहन्नमी है, सिवाय चंद शरीरुन नफ्स के। बैटिंग करना कभी नहीं भूलता मैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों कान खोल के सुनो, यजीद को जहन्नमी शराब पीने ने नहीं बनाया, यजीद को जहन्नमी जिना करने ने नहीं बनाया, यजीद को जहन्नमी जुआ खेलने ने नहीं बनाया। खुदा की कसम यजीद सहाबी का बेटा, सहाबी का पोतरा, उम्मुल मोमिनीन का भतीजा होकर रसूल अल्लाह का ससुराली रिश्तेदार होकर जहन्नमी हुआ। खुदा की कसम सिर्फ नबी और आले नबी की गुस्ताखी की वजह से हुआ। सहाबी का बेटा गुस्ताखी करके जन्नती नहीं हो सकता, इन्हें 14वीं सदी में भेंडी वाले का बेटा बन के जन्नत में जाता। गुस्ताखी बहुत बड़ा अजाब है मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, गुस्ताख मत बनो, बेअदब मत बनो। रसूल अल्लाह की किसी अजमत का इनकार मत करो, औलिया अल्लाह की किसी शान का इनकार मत करो। बाज लोग ऐसे वाकयात भी सुनाने थे, मन घड़त बातें भी सुना दिए बाज हमारी अहले सुन्नत में, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसकी तादाद 0.5% भी नहीं है, 1% दूरी, 0.5% भी नहीं है। अगर कोई बात सुनने नहीं आई खामोश हो जाओ, समझ में नहीं आई खामोश हो जाओ, इनकार मत करो, ये आखिरत की बर्बादी का सबब है। आपको समझ में नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, खामोश, मन सकता नजा, जिसने खामोशी अख्तियार की वो नजात पा गया। अगर इस पर गुफ्तगू करोगे, अल्लाह का वली वाकई उस शान का मालिक रहा जैसे मुकर्रिर ने सुनाया और आपने एतराज किया, गुस्ताखी हो गई, और गुस्ताख कभी जन्नती नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते गुस्ताखी का चैप्टर बंद करो। एक बात सुन लो, एक सहाबी के घर बच्चा पैदा हुआ, वो सौले रंग का था, कौन से रंग का, सौले रंग का, और सहाबी और उनकी अहलिया गोरे रंग के थे। गोरे माँ बाप के घर एक सौला बच्चा पैदा हो जाए या सौले माँ बाप के घर गोरा बच्चा पैदा हो, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, खुदा की कुदरत है, खुदा की कुदरत है। सौले रंग का बच्चा पैदा हुआ तो मुनाफिकीन क्या करे, वो सहाबी को सताने लगे, टॉर्चर करने के लिए उनको एक पॉइंट मिल गया, बोले ये तेरा नहीं है, नौज़ बिल्लाह, बोले ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम्हारा होता तो गोरा होता, ये किसी और का है, नौज़ बिल्लाह, इल्जाम लगाए। सहाबी बड़े परेशान रहे, कुछ वक्त गुजर गया, कुछ वक्त गुजर गया, साल गुजर गया, दो साल गुजर गए, चार साल गुजर गए, सहाबी बर्दाश्त करते रहे, बर्दाश्त करते रहे, बर्दाश्त करते। एक दिन सहाबी का सबर का मादा टूट गया, सहाबी परेशानी के आलम में आए कि मैं इनको कब तक बर्दाश्त करता रहूं, अगर यही सिलसिला चला तो कल के दिन मेरे बच्चे का जीना मुश्किल हो जाएगा। अब सहाबी अपने बच्चे को गोद में उठाए, अहलिया का हाथ पकड़े, मुनाफिकों से मुकाबला करने नहीं गए, अपने बच्चे को उठाए, बीवी का हाथ पकड़े, दरबारे मुस्तफा में चले आए। बड़े परेशानी के आलम में दरबारे रिसालत में खड़े हो गए हाथ जोड़कर, या रसूल अल्लाह गुलाम परेशान होकर आया है, मसले का हल चाहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या मुसीबत आ गई, क्या परेशानी है, कहा या रसूल अल्लाह ये मेरा बच्चा है, मैं और मेरी अहलिया गोरे रंग की और ये सौला है, या रसूल अल्लाह मुनाफिक